राजनीति में आने से पहले स्मृति ईरानी टीवी की दुनिया का एक बड़ा नाम थी। उन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मुख्य भूमिका निभाई थी। हालांकि राजनीति में आने के बाद स्मृति ने टीवी से दूरी बना ली थी। स्मृति ईरानी लगभग 15 साल से एक्टिंग से दूर हैं। लेकिन हाल ही में खबर आई थी कि स्मृति ईरानी स्टार प्लस के शो अनुपमा में कैमियो रोल करती नजर आ सकती हैं। अब इस खबर पर बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने इस खबर को गलत बताया है। दरअसल एक दो दिन पहले खबर सामने आई थी कि स्मृति ईरानी स्टार प्लस के शो अनुपमा के जरिए टीवी पर कमबैक करने जा रही हैं। डेली चक्कर के इंस्टाग्राम पेज पर भी इस खबर को पोस्ट किया गया था। इसी पोस्ट पर स्मृति ईरानी ने खबर को झूठा बताया है। उन्होंने कमेंट में लिखा, फेक न्यूज। स्टार प्लस के शो अनुपमा की बात करें तो ये शो साल 2020 में स्टार प्लस पर शुरू हुआ था। इस शो को दर्शकों से खूब प्यार मिला। टीआरपी लिस्ट में इस शो को कोई और शो टक्कर नहीं दे पाया है। लंबे वक्त से ये शो टीआरपी चार्ट में नंबर 1 पर बना हुआ है। शो में अनुपमा के किरदार में रूपाली गांगुली नजर आई हैं। फिलहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।